झूठ बोलने का आरोप अक्सर राजनीतिक दलों पर ही लगता है। ये कहना किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वोटर लिस्ट से कटे नामों पर बचे बवाल पर कौन झूठ बोल रहा है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी ने 30 लाख वोट कटवाए हैं। आप वोटर लिस्ट से कटे 30 लाख नामों में से 24 लाख नाम की लिस्ट बतौर सबूत के तौर पर मीडिया के सामने पेश भी कर चुकी है, तो वही बीजेपी इन सबूतों के साथ केजरीवाल को झूठ फैलाने वाला नक्सली बता रही है। झूठ है, आम आदमी पार्टी के तरफ से ऑफिशियली फोन जाना ऑफिस से और लोगों को कहना कि आपका वोट कट गया और भाजपा ने कटवा दिया है। इतने फोन आए कि कई लोग तो बड़े सजग थे, फोन आने के 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना चेक भी कर लिया कि हम वोटर हैं कि नहीं, कट गया तो नहीं, पने वोट तो मेरा वोट ऑलरेडी मैं वोटर हूं ही, मेरा कटा ही नहीं है। वोट काटने की, वोट जोड़ने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को करने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग है। इसमें कुछ लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से जब वोट बनना है तो वोट बनाने के लिए लोगों को बुला सकती हैं, वोट कटवाने के लिए आज तक किसी को हमने बुलाते हुए या कोई मीटिंग करते हुए हमने नहीं देखा। टेलीफोन के जरिए लोगों को बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम कटने और केजरीवाल के जरिए फिर वोटर लिस्ट में जोड़ने की बात को लेकर बीजेपी के सांसद आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर दिल्ली चुनाव आयोग के साथ मुख्य चुनाव आयोग में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर लोगों को ऐसी फोन कॉल्स पर गौर न करने की अपील न करने के साथ पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। 8 फरवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को झूठे फर्जी कॉल के लिए शिकायत दर्ज की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उसकी लेटर भी आप सबको हम आज दे रहे हैं। अब इस प्रकार से केजरीवाल द्वारा फैलाए जा रहे भाजपा के खिलाफ एक महाझूठ का पर्दाफाश हो गया। और इसमें और भी जानकारी देना चाहूंगा आपको कि 9 फरवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली ने सर्कुलर जारी कर लोगों से इस तरह की कॉल से सावधानी बरतने के लिए कहा और साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि कैसे वो अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पुलिस को बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। राफेल का मुद्दा हो या फिर वोटर लिस्ट से नाम कटने का, बीजेपी दोनों मुद्दों पर सफाई देने में लगी है तो विपक्ष लामबंद होकर बीजेपी को घेरने में लगा है। अब साख जांच एजेंसियों की दांव पर लगी है कि ये बताए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।